नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हरियाणा क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग हरियाणा क्लर्क के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए और आने वाले हरियाणा क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हरियाणा क्लर्क के प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है ऑप्शन डी, अबेक्स। क्वेश्चन नंबर टू, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है ऑप्शन सी, मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर फाइव, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा है ऑप्शन बी, कुबोल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण क्या है ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित हैं ऑप्शन डी, माइक्रो। क्वेश्चन नंबर एट, माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं ऑप्शन बी, कंप्यूटर ऑन ए चिप। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं ऑप्शन ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर टेन, उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ऑप्शन डी, दो प्रकार के। ये कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है क्या कहलाते हैं ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह है ऑप्शन ए, मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं ऑप्शन ए, डिजिटल। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, निम्न में से यह सीपीयू का भाग है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है ऑप्शन डी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से डैश मेमोरी में संग्रहित रहता है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर एटीन, रीड ओनली मेमोरी में डाटा ऑप्शन ए, सिर्फ पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी, रोम। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है ऑप्शन डी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन, निम्न में से किस कौन सी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है ऑप्शन डी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है ऑप्शन डी, जावा। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है ऑप्शन सी, कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव, कंप्यूटर मॉनिटरिंग किस प्रकार की डिवाइस है ऑप्शन बी, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स, कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डैश का उदाहरण है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है ऑप्शन बी, सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है ऑप्शन बी, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है।
कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की दक्षता को ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑप्शन डी उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन बी एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? ऑप्शन डी डॉस। निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन डी सभी। एक और जीरो के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट शेयर जरूर करिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।